गत्सेल एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे सेम किरचॉफ लॉ बेस पे क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन हमारा क्या है, 120 वोल्ट की बैटरी सोर्स है, 10 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 50 ओम का रेजिस्टेंस है और 6 एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे हमने क्या किरचॉफ लॉ में केवीएल और केसीएल दोनों अप्लाई करेंगे, कैसे दोनों अप्लाई किया जाता है, बस ये चीज समझने वाली बात है, बहुत बड़ी बात नहीं कि क्वेश्चन क्या है। हमको ये जानना जरूरी है कि केसीएल केवीएल कैसे हम अप्लाई करेंगे किसी भी सर्किट में, उस चीज को हमको समझना है। ठीक है, मैंने मान लिया कि इस सर्किट में करंट I1 फ्लो हो रही है और इसमें I2 फ्लो हो रही है। ठीक है, I1 I2 और यहां से 6 एम्पीयर आई रहा है। क्लियर, अगर हम नोड बी पर केसीएल अप्लाई करें, ठीक है, केसीएल अप्लाई नोड बी, बी हमारा यहां पे है, नोड बी पर केसीएल अप्लाई करेंगे, तो नोड बी केसीएल में क्या कहा गया है, किसी भी नोड या जंक्शन पर आने वाली तथा जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, क्लियर। अगर यहां से आप देख पा रहे होंगे नोड बी पे कौन सी करंट आ रही है, I1 आ रही है और 6 एम्पीयर आ रहा है, जा कौन सी रही है, I2, जा कौन सा रहा है, I2। इसका मतलब आने वाली तथा जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग क्यों कहा गया, आप इसको समझ लेंगे। ठीक है, अब अगर I1 आ रहा है उसको अगर हम पॉजिटिव लेंगे, I1 प्लस 6 एम्पीयर भी आ रहा है नोड पे, ठीक है, जा कौन सा रहा है, I2 जा रहा है, तो उसको निगेटिव लेंगे, क्या लेंगे, निगेटिव I2 इक्वल टू क्या, 0 बाय केसीएल। ठीक है, इसीलिए कहा गया बीजगणितीय योग, क्योंकि माइनस I2 हो जा रहा है। अगर इन दोनों का अगर माइनस लेंगे तो इसको हमको प्लस लेना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, कहीं भी देखेंगे चार्ज ऑफ कंजर्वेशन के थ्रू। ठीक है, जितना जा रहा है उतना आ भी रहा है, जब आएगा तो तभी जाएगा। क्लियर, अब यहां से अगर हम देखेंगे तो I1 माइनस I2 इक्वल टू क्या, -6। ठीक है, इक्वेशन 1। क्लियर, अब हम इसमें क्या अप्लाई करेंगे, केवीएल, किसमें, लूप ए बी सी डी एम, ए बी सी डी ए में क्या अप्लाई करेंगे, केवीएल अप्लाई। ठीक है, ए बी सी डी ए लूप में क्या अप्लाई करेंगे, केवीएल। अब केवीएल लगाएंगे ते पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, 120 वोल्ट, 10 ओम में कितनी करंट बह रही है, I1, तो -10 क्या I1 ड्रॉप हो रहा है, और 50 ओम में कितनी करंट फ्लो हो रही है, 50 I2, -50 क्या I2 इक्वल टू क्या, 0 बाया केबिल में क्या कहा गया है, किसी भी विद्युत सर्किट के मेष या लूप में ईएमएफ या बैटरी सोर्स तथा रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप के बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है बाय केवीएल। ठीक है, इसी को बोलते हैं केवीएल लॉ। अगर यहां से अगर हम देखेंगे -6 -, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 10 I1 प्लस 50 I2 इक्वल टू क्या, 120, क्योंकि ए माइनस उधर जाएंगे, क्या पॉजिटिव हो गया 120, ए भी 0 ए भी 0, 0 0 कैंसिल करेंगे, हम लिख सकते हैं क्या, I1 प्लस 5 I2 इक्वल टू कितना, 12, कितना लिख सकते हैं, 12। अब यहां से अगर हम देखेंगे एक क्वेश्चन नंबर मान लीजिए सेकंड हो गया, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब ये क्या I1 माइनस I2 इक्वल टू -6 है, ये I1 प्लस 5 I2 इक्वल टू क्या है, 12 है,
अगर इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन वन में से घटाएंगे, ठीक है, जब घटाएंगे तो लिख सकते हैं माइनस आई वन माइनस क्या आई टू इक्वल टू क्या माइनस सिक्स। इसको घटाने का मतलब क्या, ए प्लस है तो माइनस, ए माइनस है तो प्लस, ए माइनस है तो प्लस, ये जुड़ेंगे आई टू इक्वल टू क्या सिक्स आई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी प्लस हो गया तो बारह छः अट्ठारह, यहां से आई टू इक्वल टू क्या आ जाएगा तीन। आई टू कितना आ गया तीन एम्पियर। अब आई टू तीन एम्पियर आ गया, यहां से क्या आई टू तीन एम्पियर है। अगर हम इसको यहां रखेंगे तो लिख सकते हैं क्या आई वन इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस सिक्स प्लस क्या आई टू माइनस आई टू, पक्षांतर करेंगे तो आई वन इक्वल टू क्या माइनस सिक्स प्लस आई टू, आई टू की वैल्यू कितनी आ गई थ्री एम्पियर क्या प्लस थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस तीन एम्पियर। ठीक, मतलब I1 माइनस थ्री एम्पियर और I2 थ्री एम्पियर। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फ्रेम होते हैं, पूछ देता कि 10 ओम में कितना करंट फ्लो होगा या 50 ओम में कितना करंट फ्लो होगा, तो आराम से ऐसा हम लगा सकते हैं। इसका एक और मेथड हम आपको बताना चाहेंगे, काफी इजी गोइंग मेथड है। जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने अभी लगाया, ठीक है, बाया KCL और KVL के थ्रू। अब इसको सिर्फ एक इक्वेशन सॉल्व करेंगे बाया KVL के थ्रू। अगर आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है तो एक क्वेश्चन लग जाए बहुत अच्छी बात है। तो जैसे मैंने I1 I2 दो करंट मान लिया था, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक ही करंट मानिए आप। मैं दो करंट इसलिए माना क्योंकि मैं दिखा सकूं कि KCL कैसे हम लोग लगाएंगे। बट I1 ले लिए यहाँ पे, यहाँ से 6 एम्पियर आ रही है, तो यहाँ पे कितनी आएगी करंट I1 प्लस क्या 6 एम्पियर तो आएगी। ठीक, बस इसमें KVL लगा दीजिए ABCD में, लूप ABCDA में क्या बाया KVL अप्लाई कर दीजिए। KVL अप्लाई करेंगे ये हमारा 120 था, ठीक है, क्या हो जाएगा 120 I1 जा रही है माइनस 10 I1। अब इसमें कितनी आ रही है 50 एम्पियर में, क्योंकि KVL इसमें लगा रहे हैं तो माइनस क्या ड्रॉप हो रहा है 50, क्या हो जाएगा I1 प्लस 6 इक्वल टू क्या 0 बाय KVL के थ्रू। अगर इसको हम देखेंगे तो लिख सकते हैं क्या कि 10 I1 प्लस 50 I1 प्लस 6 इक्वल टू क्या 120। अगर देखेंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, लिख सकते हैं क्या I1 प्लस 5 I1 और मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 30 इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। ठीक, अब इसको उधर ले जाएंगे 30 को, इसको 6 आई वन इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर 12 माइनस 30 तो 6 आई इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 18, मतलब आई वन इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 3 एम्पियर। जैसा कि हम पहले वाले मेथड में देख चुके हैं कि I1 हमारा कितना आया था 3 एम्पियर। अब जैसे कि 10 ओम में पूछा गया जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा ये सर्किट में 10 ओम में कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो 10 ओम में I1 जा रही है, I1 कितना है माइनस 3 एम्पियर। ठीक है, बट अगर पूछा जाएगा 50 ओम में कितना करंट है, कुछ नहीं करना है, 50 ओम में कितना जा रहा है I1 प्लस 6, I1 कितना है माइनस 3 और 6 क्या हो जाएगा 3 एम्पियर। ठीक है, जैसा कि पहले मेथड में बताया कि 10 ओम में माइनस 3 एम्पियर और 50 ओम में 3 एम्पियर, बट वहां पे I1 I2 ले लिया था, बट क्या हुआ सिर्फ एक इक्वेशन से एक ही इक्वेशन मान सॉल्व हो गया। मैंने उसको इसलिए बताया था कि हम आपको KCL अप्लाई करके दिखा सके। आप हर क्वेश्चन में कभी कभी टिपिकल क्वेश्चन आता था वहां पर KCL लगाना अनिवार्य हो जाता है। ठीक, आज के लिए इतना ही, आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।